प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे चरण के लिए मतदाताओं से मतदान की अपील की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इन सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे, जिसमें युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आइए अपने कर्तव्य को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। ये एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल अमनदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों से अपील कर ली है, लेकिन अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें सीएम योगी प्रदेशवासियों से आज जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहा है उसके लिए भर भर के वोट करने की अपील कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए मतदान जरूर करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी लोगों से वोट करने की लगातार अपील कर रहे हैं। और देखिए, आज 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आज चौथा चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा व सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट निर्णायक है। याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चौथे चरण के मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश भर के मेरे प्रिय बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। चौथे चरण के सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदार बनकर समाज के हर वर्ग को सशक्त करने के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई मजबूती प्रदान करने वाली सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान करें। आपको पहले हमने प्रधानमंत्री का ट्वीट दिखाया, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अमित शाह का पोस्ट, जहां वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रही हैं। मायावती ने कहा है कि देश में लोकसभा के लिए 7 चरणों में हो रहे आम चुनाव के आज चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग जरूर करें। पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लगातार जारी रखना है। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी में ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मैलानी के बूथ नंबर 6 की संख्या पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। ईवीएम खराब होने से मतदान यहां पर रुका हुआ है। सुबह तड़के अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लखीमपुर खीरी में भी लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन देखिए कुछ गड़बड़ी आ गई है। ईवीएम में खराबी की जानकारी मिल रही है, जिसको दुरुस्त करने की तैयारी भी पूरी कर रखी है वहां प्रशासन की तरफ से। दुरुस्त जैसे कर ली जाएगी मतदान फिर से शुरू होगा, लेकिन ईवीएम खराब होने की जानकारी सबसे पहली लखीमपुर खीरी से आई है। बूथ संख्या 6 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है।